हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं आज आपके लिए एक ड्रिल मशीन का रिव्यू लेके आया हूँ। ये एक्स्ट्रा पावर की ड्रिल मशीन है। सो देख लेते हैं इसमें क्या क्या मेंशन किया हुआ है, इसके बॉक्स पे क्या क्या फीचर दिए हुए हैं। तो इसका मॉडल नंबर दिया हुआ है XPT527। ये कुछ इस टाइप का इसका बॉक्स है, ये देख सकते हो आप। ये कुछ साइड में इसकी डिटेल कुछ मेंशन की हुई है। सो चलो अब इसको खोल कर देख लेते हैं। खोलते हैं इसको। सो गाइस, ओपन करते ही हमें ये दिखती है ड्रिल मशीन, जो कि पैक है अभी पोलोथीन में। तो ये खोलते ही हमें पैन दिख गया है। देखते हैं इसमें क्या क्या दिया है। इसको साइड में रखते हैं। बुक्स दी हुई हैं, देखते हैं इनमें। ये इसकी यूज़र मैनुअल्स हैं और ये एक्स्ट्रा पावर टूल्स की बुक्स हैं। बताया गया है क्या क्या इसमें एक्स्ट्रा पावर में आते हैं। ये कुछ डायरी है इसके साथ आई है। देखते हैं, इसको रखते हैं साइड में। और ये इसकी की है गाइस, जो कि ड्रिल बिट्स लगाने में काम आती है। ये इसका हैंडल दिया गया है और कुछ बाकी। ये दो इसमें कार्बन बुश दिए गए हैं, जो कि ख़राब होने पे आप चेंज कर सकते हो। अच्छी चीज़ें आप खुद से चेंज कर सकते हो, मैं दिखाऊंगा आपको और किसी वीडियो में। ये दो हैं। और ये इसके साथ मेज़रिंग स्टिक आती है। ये मेज़रिंग स्टिक है, ये ड्रिल बिट जैसे जितना ड्रिल आपको अंदर करना है होल के, उस हिसाब से आप मेज़र कर सकते हो। इसमें सब नंबर्स दिए हुए हैं MM के हिसाब से। और बस ज़्यादा टूल्स तो इसके साथ आते नहीं हैं, यही टूल्स आते हैं गाइस, जैसा कि आप देख रहे हो। सो बने रहिए इस वीडियो में, मैं आपको इसको चला के भी दिखाऊँगा। सो गाइस, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें। ये इसका चक है गाइस, ये 13 mm का इसका चक है। इसमें आप 13 mm तक बिट लगा सकते हो, काफ़ी आराम से हैंडल कर सकते हो आप इसको। ये इसका कन्वर्टर है, इधर ड्रिल में इधर हैमर में आप कन्वर्ट कर सकते हो। ये इसका एंटी क्लॉकवाइज आप इसको घुमा सकते हो, ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है गाइस। ये इसका स्पीड कंट्रोलर स्विच दिया हुआ है, इसको घुमा के आप इसकी स्पीड तेज स्लो कर सकते हो। ये वेरिएबल स्पीड के साथ आती है गाइस, मतलब इसको इस स्विच को आप जितना दबाओगे उतनी स्पीड में घूमेगा। ये इसका लॉक है, स्विच को लॉक करना चाहते हो आप चलाने के लिए, ज़्यादा चलाओ जैसे लॉक कर सकते हो इसको। ये इधर करोगे तो एंटी क्लॉक वाइज में घूमेगा, इधर करोगे तो क्लॉक वाइज में घूमेगा। बाकी ये इसका हैंडल दिया हुआ है, ये भी काफ़ी सही बिल्ड क्वालिटी सही है इसकी, अच्छी है। इसको थोड़ा ऐसे ढीला करके आप इसको लगा सकते हो, इसमें ऐसे ही फिट हो जाता है। और इसको यहाँ पे ऐसे टाइट कर दो, ऐसे आप इसको ऐसे टाइट कर सकते हो। और दिखाता हूँ मैं आपको इसको चला के। इसका प्राइस मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊँगा गाइस, बने रहिए। ये मैंने अमेजोन से परचेज़ करी थी, आप भी इसको अमेजोन परचेज़ कर सकते हो। ऑफलाइन आपको मिल जाती है तो ले सकते हो। मैंने ये चीज़ देखी है गाइस, ऑनलाइन और ऑफलाइन में ज़्यादा अंतर नहीं आता है, 100-200 रुपये का फ़र्क आता है बस। इसका हैंडल ऐसे घुमा के इसको लूज़ करके आप निकाल सकते हो, अच्छी क्वालिटी है इसकी। ये इसके साथ ऐसे इसको टाइट कर सकते हो। ये जो इसके साथ टूल दिया गया है, इसमें आप ऐसे करके इसको लगा सकते हो। ड्रिल बिट आपको कितनी डालनी है अंदर होल में, कितना आपको होल करना है। और ये इसके साथ इसकी की आती है चक्की, इसको थोड़ा लूज करने के लिए। और इसको यहाँ पे ऐसे स्टैंड करके रख सकते हो ताकि आपकी गुम ना हो, काफ़ी सही है ये भी। सो अब इसको प्लग इन करके देखते हैं, चला के देखते हैं कैसे चलती है ये। सो ये वेरिएबल स्पीड के साथ आती है, जितना मतलब इसको दबाओगे आप इस स्विच को उतनी स्पीड के साथ ही घूमेगी। देखो उतनी स्पीड के साथ ही घूमेगी, ऐसे दबाओ, तेज़ दबाओगे तो तेज़ घूमेगी, स्लो दबाओगे इस स्विच को तो स्लो घूमेगी। ये इसका एंटी क्लॉकवाइज है, ये इसका क्लॉकवाइज है, घुमाने के लिए स्विच दिया हुआ है ना जो इसमें। ये इसका हैमर है, ये आप इसकी हैमर कर सकते हो, ड्रिल भी कर सकते हो। काफ़ी अच्छी पकड़ है इसकी गाइस, हैंडल काफ़ी अच्छा है इसका।
आप अगर इसको लेना चाहते हो तो ले सकते हो, काफ़ी अच्छी रिकमेंडेड है मेरी तरफ से। तो अब मैं आपका इसका डेमो दिखाता हूँ। गाइस अब हम अपने स्टूडियो से बाहर आ गए हैं, इसको चला के दिखाएंगे। ये हमने एक ब्रिक ले ली है, पहले इसका मोड चेंज कर लेते हैं, यहाँ से इसको हैमर पे कर लेते हैं और दिखाएंगे इसको इसमें होल करके, और आपको स्क्रू टाइट करके भी दिखाएंगे गाइस इस पर। ये इसको थोड़ा ऐसे लूज करके यहाँ से, इसमें बिट लग जाती है 13 mm तक, और इसको थोड़ा टाइट कर लेते हैं। ये इसकी की है, की से इसको थोड़ा टाइट कर लेते हैं ऐसे। अब ये कहीं नहीं जाएगा, अब इसको चला के दिखाएंगे। ये थोड़ा ऊपर से प्रेस करना पड़ता है गाइस, बाकी आराम से होल हो जाता है। इसमें देख सकते हो आप, इसमें बिल्कुल आराम से आप इसमें कैसे ब्रिक में ये होल कर रही है। कारपेंटर में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो स्क्रू वगैरह टाइट करने में, देख सकते हो आप इसको। ये हमने दो इसकी गिट्टी ले ली है, अब इसमें हम स्क्रू टाइट करके दिखाएंगे। ये हमसे थोड़ा इसमें होल छोटा हो गया, इसको थोड़ा और लूज़ करना था हमें। कोई बात नहीं, हमें तो बस डेमो देना ना, आपको दिखा देंगे। थोड़ा आप करो जब इसका, थोड़ा लूज़ कर लेना इसके होल को, बाकी ये निकलेगा तो नहीं। अब टाइट हो चुका है बिल्कुल अच्छे से, देख सकते हो आप। इसको हम चेंज करेंगे, इसको थोड़ा ऐसे की लेके इसको थोड़ा लूज़ करेंगे, और ये बहुत ही आसानी से बाहर आ जाती है। ये हमने स्क्रू ड्राइवर स्क्रू टाइट करने के लिए ले लिए बिट, इसको ऐसे थोड़ा टाइट करेंगे और ये ऐसे बिल्कुल टाइट होगी। हमने ये स्क्रू ले लिए हैं, अब इसमें ऐसे स्क्रू करेंगे, इसको थोड़ा ऐसे टाइट करेंगे, चलाएंगे, ये टाइट हो गया बिल्कुल अच्छे से। दूसरा अलग अब करके दिखाएंगे, इसमें ऐसे लगा के, ऐसे लगा के इसमें, और ये देखिए कितनी आसानी से इसमें स्क्रू चला जाता है। देखिए इसको थोड़ा प्रेस करना पड़ता है स्क्रू टाइट करने के लिए ना, ऐसे ऐसे इसको स्क्रू टाइट कर सकते हो। ये इसका एंटी क्लॉकवाइज करके स्क्रू ऐसे बाहर भी निकाल सकते हो ऐसे, ये ऐसे। सो गाइस आप लेना चाहो इस मशीन को तो ले सकते हो, मेरी तरफ से तो फुली रिकमेंडेड मशीन है, कम प्राइस में आपको अच्छी मशीन मिल जाती है। मैंने ये अमेजोन से परचेज़ करी थी, मेरे को ये 1800 रुपये की पड़ी थी, और 200 रुपये मेरे को ड्रिल बिट के देने पड़े थे, मैंने इसके साथ ही मंगाई थी। बस आज की वीडियो में इतना ही, आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी दिखाएं, वो लेना चाहते हो तो ले सकते हैं इस मशीन को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।